क्या उन 14 सेनेटर्स का नाम क्या आपको पता है? मुझे आज चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन जो है, चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन का आखिरी बैट्समैन आउट हुआ। बलूचिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, कप्तान की जीत हुई है, सादिक संजरानी की जीत हुई है। आज अपोजिशन ने नादानी में सिर्फ और सिर्फ जाती एजेंडे की तकमील के लिए जेल में बैठे एक नाअहल कैदी की ख्वाहिश की भेंट चढ़ाने की जो साजिश तैयार की, आज अपोजिशन की सफों में बगावत हुई है। आज अपोजिशन के उस बयानिए से उनके अपने सेनेटर्स ने ला तल्की का ऐलान किया है। वो अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी वो नाकाम हो गई है। जैसे आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर्रहमान ने इस मुलाकात को, जो कि हमारी किसी भी रिवायत, पख्तून रिवायत हो या हमारी पाकिस्तानी रिवायत हो, कि उनके घर जाके उनको कोई अगर इज्जत देने की कोशिश करे, उन्होंने उस इज्जत उनको रास नहीं आई और उन्होंने बाहर जाके एक ऐसा बयान दिया जिससे कि ये लगा कि हम उनसे मदद मांगने आए थे। मदद तो वो अपनी नहीं कर सके हैं। जादू जो चला है वो आपको पता है कि एक अमीर तरीन जो है और तमीर फरोशी हुई है और 14 लोग से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा, मैं हूं नादिया नकी। सबकी नज़रें आज सेनेट पर थीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त हुई और हुकूमत जो है वो आज शादियाने बजा रही है। उनकी जीत हुई। वो 14 अरकान कौन थे जिन्होंने ऑपोजिशन से इन्हिराफ करके और ऐसा वोट डाला कि सादिक संजरानी साहब बतौर चेयरमैन जो हैं वो बरकरार रहे। आप सब जानते हैं कि आज सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का मोशन मूव किया गया। उस मोशन मूव करते वक्त 64 अराकीन ने हाथ खड़े करके इस हक में कहा कि वो इस मोशन के साथ हैं। जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो 64 में से न जाने 14 कहाँ चले गए, 5 वोट मुस्तरद हो गए और बकिया 9 जो हैं वो हुकूमत के बैलेट में जा गिरे, यानी तहरीक अदम इस्तेहकाम के खिलाफ। और बकिया जो इनकी लिए ऑपोजिशन के पास जो वोट रह गए वो महज 50 रह गए। इसी तरह फिर डेप्यूटी चेयरमैन के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद मूव की गई तो ऑपोजिशन ने ये सोचा कि इससे एब्सटेन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर एब्सटेन ना करते और फिर कोई 14 या इससे ज़्यादा इन्हिराफ करते तो ये बाजी भी वो हार जाते। मावने खसूसी बराए इत्तलात हों, सेनेटर फैसल जावेद हों हुकूमत से या शिबली फराज साहब हों हुकूमत की जानिब से, सब के सब इस वक्त बहुत खुश हैं और कहते हैं कि हुकूमत जो है वो कामयाब हुई, ऑपोजिशन नाकाम हुई और आज इमरान खान साहब की जीत हुई है, उनके विजन की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है और आईन की जीत हुई है और जमहूरियत की भी जीत हुई है। सब जीत गए हैं, ऑपोजिशन हार गई है, ये आज मुस्तकिल हर बयान में आ रहा है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का अगर मैं जिक्र करूं तो वो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीर फरोशी हुई है और कुछ उन लोगों को अंदाज़ा है कि ये 14 कौन हो सकते हैं। राजा जफरुल हक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आज सुबह तक पता चल गया था कि कौन कितने वोट मिलेंगे और ज़्यादातर के लोग जो हैं वो एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज सामने आई हैं, लेकिन अगर हम इसको इस अंदाज से देखें यानी टेक्निकली देखें, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसमें अददी अक्सरियत ऑपोजिशन जमात की है, बड़े आराम से उनको इस तहरीकी अदम एतमाद को पास कर लेना था। ये इन्हिराफ कैसे हुआ? ये ज़मीर की आवाज़ पर वोट गया, ज़मीर फरोशी की आवाज़ पर गया, प्रेशर पर गया या कोई और वजह हुई? आज इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ करती चलूं। आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये भी है कि ऐवाने बाला में ऑपोजिशन की अक्सरियत ना रही तो ताकत का सरचश्मा आखिर है कहाँ? मेरे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार लाहौर से, उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार कमर चीमा साहब। आप सारे मोहतरम मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
गुफ्तगू का आगाज़ मैं अब्दुल कयूम साहब आपसे करना चाहूँगी। आप लोगों के नज़दीक ये क्या हुआ है? इतनी मीटिंग्स, इतनी प्लानिंग्स, इतने इशाइये जहराने, और उसके बाद जो नतीजा है वो आप लोगों की इत्तेहाद की शिकस्त हुई है। ज़मीर फरोशी थी, ज़मीर की आवाज़ थी, प्रेशर था, क्या था? जी अब्दुल कयूम साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। लेट मी पुट द सेम क्वेश्चन टू यू। जी आ रही है आपको आवाज़? आ रही है कयूम साहब? ठीक है, ब्रिगेडियर साहब लेट्स स्टार्ट विद यू, टेल मी द सेम क्वेश्चन टू यू। आपके नज़दीक आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह क्या है? ज़मीर की आवाज़, ज़मीर फरोशी या कुछ और? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया नादी नकी साहिबा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ बिग ब्लो एंड अ सेट बैक टू द नेक्सस ऑफ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ एंड मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने मास्टर माइंड की थी इस नो कॉन्फिडेंस मूव को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पहले पंजाब असम्बली में ये फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप लोग सामने आए, फिर MNAs की बात हुई ये PMLN साइड से, अपोजिशन साइड से, और अब पहली मर्तबा इस सेनेट में फॉर द टाइमिंग तो मैं यही कहूँगा कि एक इनविजिबल ग्रुप है 13-14 सेनेटर्स का जो कि क्लियरली शो कर रहे हैं कि देखें ज़मीर फरोशी तो ये है ना कि चलें, वैसे तो माजी में सेनेट में ये वोट लेने के लिए, सीटें खरीदने के लिए आपको पता है 15 करोड़ 20 करोड़ ये खबरें हमेशा आती रही हैं कई साल से, लेकिन अगर वो तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस किस्म की चीज़ हुई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, सीइंग द पैटर्न ऑफ दोज जो जिन्होंने पंजाब असम्बली में बनाया और फिर नेशनल असम्बली में, ये जो लोग हैं ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि ये चंद लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसल्यूजेंट हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं विद द पीपल पार्टी एंड द PMLN टॉप लीडरशिप, जो इस वक्त बिल्कुल टॉप मोस्ट लीडरशिप जो जेल में है, कि उनकी जो पॉलिसीज हैं और जो उनकी कोशिश है कि सेनेट को डिस्टेबलाइज किया जाए, सेनेट चेयरमैन जो कि एक शरीफ आदमी, एक मॉडरेट सोच रखने वाले आदमी, और उनको इस सेनेट में इस किस्म का डिस्टेबलाइजेशन, और वो और ऐसे शख्स को लाया जा रहा सामने जो नवाज शरीफ साहब के नॉमिनी, जिनको नवाज शरीफ साहब ने सेलेक्ट किया, वो जो के एक्सट्रीम व्यूज रखने वाले हैं, बेशक बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन जो के इदारों को, रियासत के इदारों को इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट, उनके खिलाफ उनके जो व्यूज़ हैं वो पब्लिकली हम माजी में भी सुनते रहे हैं। तो ऐसे चेयरमैन अगर आ जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम तो फिर खड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, तो बस बेसिकली देयर इज नो हॉर्स ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू यू, ये नाराज है। तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये देखें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस किस्म की कोई सडनली सरप्राइज या अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन जो है पॉलिटिक्स में तो आपको पता हमारी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है मेरी नजर में ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव फेल हुई है, एक्चुअली इट इज अ नो कॉन्फिडेंस इन दीज अमंगस्ट दीज 14-15 सेनेटर्स इन द पीपल्स पार्टी एंड द PMLN। ओके ओके, लेट मी पुट द सेम क्वेश्चन। क्या कयूम साहब मेरे साथ हैं? आप कयूम साहब? ओके, कयूम साहब इस वक्त मेरे साथ नहीं है। कमर चीमा साहब आपकी तरफ आती हूं, आपके ख्याल में ऑपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त की वजह क्या बनी? देखिए मुझे चार पांच चीजें नजर आ रही हैं, मैं थोड़ा एकेडमिकली भी बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारी जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, पावरफुल सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, और इसकी वजह से जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट आती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। फिर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक सीक्रेट बैलेटिंग थी, तो सीक्रेट बैलेट जो है और गवर्नमेंट PTI की है तो उसमें फायदा हो सकता था PTI के, जो कि हुआ। दूसरा ये है कि PTI गवर्नमेंट में भी थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर तीसरी बात ये है कि जो सेनेटर्स होते हैं उनको जब ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं कि उनको फंड्स भी चाहिए, उनको रिसोर्सेज भी चाहिए,
और आप अपोजिशन में भी हों और आपको ऑन बोर्ड भी ना लिया जा रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन में सेनेटर्स जो होते हैं वो अमूमन टफ टाइम दे देते हैं, क्योंकि हमने देखा यह है कि जितनी लीडरशिप बड़ी मजबूत और ताकतवर होती जाएगी, और सेनेटर भी वही बनता है जिसके ऊपर हाथ रखेंगे तो उस तरह का सेनेटर हो जाता, फिर इस तरह के फिर सेनेटर को इतना ज्यादा आजादी नहीं दी जाती कि वो अपनी मर्जी से बात कर सके, अपनी आजादी से वोट दे सकें, अपनी आजादी से अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर कभी बात करनी पड़ जाए तो कर पाए। और दूसरा यह है कि आजकल जिस तरह पार्टीज की जो टॉप लीडरशिप है वो उनके ऊपर चार्जेस हैं, वो जेलों में हैं, तो फिर भी पार्टीज के जो 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 सेनेटर में बोल नहीं सकते, उनके हक में नहीं बोल सकते। सो इस तरह के जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में सेनेटर से इस तरह की चीज एक्सपेक्ट भी की जा सकती है। तो लिहाजा ये कहना कि ये कुछ जमीर फरोशी हो गई या इस तरह, मैं तो समझता हूँ कि ठीक है ये जो सेनेटर्स हैं अपनी पार्टी की तरफ से आते हैं, लेकिन आजादी होनी चाहिए अपने अपने अपना आप बोलने के लिए। डेफिनेटली पीटीआई ने बहुत कोशिश की होगी इनको तोड़ने के लिए, ये जितने भी लोग टूटे हैं कोई ऐवें अल्लाह वास्ते तो नहीं टूट गए, इन लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिले हैं या इंसेंटिव दिए गए हैं, ये इंसेंटिव दिए जाएंगे मुस्तकबिल में। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन पार्टीज है इनको इन हाउस भी देखना होगा कि इनका अंदर उसके लिए पूरी मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग पूरी एपीसी बुलाएंगे वो अपने इत्तेहाद की टू चेक कि 14 कौन है। आपने कहा इंसेंटिव्स भी जाहिर दिए होंगे और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है पीटीआई ने आपने देखा जो जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए जो आज इनकी काबीना का हिस्सा हैं उनको कई इंसेंटिव्स देने पड़े, इत्तेहादियों को देने पड़ते हैं, एमक्यूएम को ही देख लें, वजारतें देनी पड़ती हैं। जी उस्मा कारदार साहिबा, ये 14 सेनेटर्स को किस किस्म के इंसेंटिव्स दिए गए हैं, दैट्स अ बेटर वर्ड। जी नादिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद देती हूँ कि आज हक और सच की फतेह हुई है। मैं सीधी अभी सेनेट से ही आ रही हूँ और मैंने एक एक वोट डब्बे में जाता देखा और सारी कार्रवाई, आप यकीन करें कि ये जो जोड़ तोड़ था इनकी पूरी कोशिश थी कि जमहूरियत को एक कारी जरब लगे, फेडरेशन कमजोर हुए, क्या मकासद थे इनके, कोई मकासद नहीं थे, और अल्लाह ने वो इनके जो नियतें थी उसके मुताबिक ही नतीजा निकाला। अगर इनकी नियत नेक और सच्ची होती तो फिर इनको जो थी कामयाबी मिलती, लेकिन इनके तो गुब्बारे से टोटली अब हवा निकल चुकी है नादिया। इनको चाहिए था कि इन हरकतों से बाज रहते तो थोड़ी बहुत शायद कोई फेस सेविंग हो जाती। मैम इंसेंटिव्स बताएं, इंसेंटिव्स बताएं जो दिए गए कौम को। देखें जो सेनेटर्स हैं वो उन्होंने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिए हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, और हम तो बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग या पैसे की लेन देन में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते। आपने को याद होगा जब केपी में हमारी हुकूमत थी और सेनेटर्स का जिस तरीके से इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन सारों को पार्टी से निकाल दिया था जिन्होंने जिनके ऊपर जरा भी सबूत साबित हुआ था कि उन्होंने पैसा कहीं से पकड़ा है। अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जीरो टॉलरेंस है एज फार एज हॉर्स ट्रेडिंग इज कंसर्न। देखें सेनेटर्स कोई बच्चे तो नहीं है, उनको नजर आ गया था, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि उन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस, अब ये नो कॉन्फिडेंस फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों है फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फिडेंस आ गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में। नहीं, फ्रस्ट्रेशन आपके ख्याल में क्यों है? फ्रस्ट्रेशन देखें नादिया, इन्होंने 35 साल कौम के जो हकूक हैं उनको पामाल किया है, कौम को इन्होंने गुर्बत में अंधेरों में रखा और अपनी इन्होंने जेबें भरी। तो अब इनका कौम ने इनको जब रिजेक्ट कर दिया तो ये वानों से बाहर हो गए, या फिर इनके ऊपर जो इन्होंने जो करप्शन की या मनी लॉन्ड्रिंग की उनके जो केसेस हैं आपस में इन्हीं के द्वार में बने हुए, वो चूंकि अब हमने इदारों को मजबूत किया है तो अब इनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। पहली दफा पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का एहतसाब हो रहा है, तो इसलिए ये सेनेटर्स जो हैं ताकतवर सुनाई दे रही, अरे उनको तो चीखने दे, मैं कह रही हूँ सेनेटर्स की ये कौन सी जमीर की आवाज थी, वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए क्योंकि उनकी लीडरशिप जेल में है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कितनी करप्शन और कितनी लूटमार हुई, और इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि नया पाकिस्तान सिर्फ खान साहब बना सकते हैं, राइट? ऐसा ही है
देखिए उनको समझ, देखिए हर एक को अपना पॉलिटिकल मुस्तकबिल जो है वो अजीज होता है, सबने बड़ा सब स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो वो कोई भी जो है वो अब ये जो दो खानदान थे उनका बोझ वो कब तक उठाते, उनको नजर आ गया था कि ये चलिए फिर सिर्फ अपनी ये बात आपने बहुत अच्छी कही ब्रिगेडियर जो है उसको, ब्रिगेडियर साहब ने भी यही बात कही, आपने भी यही बात कही, कमर चीमा साहब ने और भी इसमें पहलू डाले। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आती हूँ, ये जमीर की आवाज़ जो है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रहेगी कि सीक्रेट बैलेट में अपने जमीर को जगाकर उन्होंने कहा ये खानदान जो है करप्ट है, या फिर अब इससे आगे भी जाएगी ये जमीर की आवाज़। ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैन ऑफ द मैच कौन रहा इस पर भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ऑपोजिशन भी काफ़ी परेशान है, सारे लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये 14 लोग कौन थे, गो के मालूम करना काफ़ी मुश्किल होगा। ज़मीर की आवाज़ मेरे मोहतरम मेहमान समझते हैं और इवन पीटीआई वाले समझते हैं कि ज़मीर की आवाज़ पर आज वोट डला है और आईन की जीत हुई है। ब्रिगेडियर साहब, ये ज़मीर की आवाज़ क्या सिर्फ सीक्रेट बैलेट तक ही महदूद रहेगी, क्योंकि ज़मीर को तो फिर पूरा जागना चाहिए ना, अगर करप्ट लीडरशिप जैसे कि आपने इब्तिदा में कहा कि इस नेक्सस से जरदारी साहब का हो या फिर नवाज शरीफ साहब का हो, इससे तंग आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो सामने आ जाएं, इनकी पार्टियों को छोड़ें और सेनेट भी छोड़ दें। नहीं, इसमें काफ़ी लोग होंगे जो कि वो जिनको अभी भी इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में कहा जाता है बिकॉज ऑफ दी वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट, उनकी एफिलिएशन पीएमएलएन से हुई थी, उनकी नॉमिनेशन भी पीएमएलएन से हुई थी, उन टिकट पे आए थे, लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट कैटेगरी में है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आई एग्री विद यू, आई बिलीव कि ये 14-15 सेनेटर जितने भी हैं इनको देखें, ये वो लोग हैं जिनको पूरी कौम ने देखा कि वो खड़े हुए थे, खड़े हो के उन्होंने मोशन को पहले नो कॉन्फिडेंस मूव को सपोर्ट किया, जी हाँ, उसके बाद फिर आई अपना सीक्रेट बैलेटिंग। तो आफ्टरऑल ये वो जो खड़े लोग थे वही लोग थे ना, उनमें तो दारी बात पीटीआई के लोग तो नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब है इन लोगों को अगर इनमें बिल्कुल आपकी बात सही है जमीर पूरा जागना चाहिए और इनको सामने आना चाहिए ताकि कौम को पता हो कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कॉन्शियस के मुताबिक अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जो है इन्होंने वोट किया, वेदर दे डिड नॉट लाइक द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट या पार्टी लीडरशिप से नाराजगी वगैरह वगैरह, जो भी रीजन है। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर ये सामने नहीं आएंगे ना तो फिर लोग ये कहेंगे फिर वो मुनाफिकत का वर्ड आना शुरू हो जाएगा, नहीं फिर हॉर्स ट्रेडिंग आएगी। जमीर तो जिनकी जमीर जागते हैं, जैसे आपको याद है मुस्तफा कमाल का कवर चीमा साहब, जमीर जाग गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं अल्ताफ हुसैन से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूं। तो ये आज जिन सेनेटर्स के जमीर जागे हैं उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी से क्यों डर लग रहा है, सामने आए और कहें कि वी बिलीव इन इमरान खान। और उसकी वजह दूसरी ये है कि यही लोग अब एक पीटीआई को फायदा ये हो गया कि अब जो आइंदा कोई क्रूशियल इश्यूज होंगे या कोई लॉ मेकिंग होगी क्रूशियल इन द सेनेट, तो उनको ये पता है कि भाई अब ये 15-14 लोग जो हैं ये इनके साथ हैं, तो दे विल बी एबल टू गेट थ्रू लेजिस्लेशन। पीटीआई को कैसे पता होगा कौन है वो 14 लोग, हाउ वुड पीटीआई नो? मैं आपको बता देता हूँ, देखें अब ये तो अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये तो हमें पता है ना कि जारी बात है जब इतनी बड़ी जीत हो गई पीटीआई वालों की, तो आपके ख्याल में जिन लोगों ने इनको जिताया है वो 13-14 लोग वो अंदर के खाने इनको नहीं बताएंगे, तो बस फिर वो जमीर से नहीं जागे। हियर यू गो, वो जमीर से नहीं जागे। कमर चीमा साहब अप टू यू नाउ, बताइए ये जमीर आधा क्यों जगवाया है पीटीआई ने, पूरा जगाए? देखिए ये कोई जमीर शमीर ये पॉलिटिक्स में ये मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता, ना ये होता है ना ये जारी बात है, मैंने पहले कहा ये सब इंसेंटिव्स हैं और मुझे तो शक है कि मौलाना ये ना कहें इन सब पे 62-63 भी लगता है कि ये सारे लोग जो 14 सेनेटर्स हैं। सो अभी देखना ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कोई बड़ी कोई सियासत होगी, बड़ी वैल्यूज बेस्ड सियासत होगी, तो वो तो हम ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना होती है पॉलिटिक्स में, ऐसे ही होगा। खुफिया राय शुमारी में सीक्रेट बैलेटिंग में ये एक्सपेक्टेड था, ज्यादा नंबर निकल आए हैं, हम कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कम होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है पीटीआई की जीत है और एक रूलिंग पार्टी होने के हवाले से वो बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं इन लोगों को। और ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आइंदा लेजिस्लेशन में भी ये मदद कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मुश्किल रहेगा। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है वो आज मरियम नवाज शरीफ के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए आया है कि उनका ये पहला ब्रेन चाइल्ड था, उनकी पहली ये एफर्ट थी
कि हम जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे, वो नाकाम हो गए हैं। आपको याद होगा कि ये संजरानी साहब पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट थे, तो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि संजरानी साहब जब यहाँ पर पहुंचे तो शायद लग ही ये रहा था कि संजरानी साहब को हटाना जो है शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे या पीपल्स पार्टी के भी, और ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक पेज पर हैं तो शायद आगे जाके ये टफ टाइम देंगे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इसका मानना पड़ेगा, इसका सियासत पे बड़ा असर पड़ेगा। आपने खुद कहा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसमें लॉ मेकिंग के लिए अब तक ऑपोजिशन को ये गुमान था कि कोई भी लॉ पास करवाने के लिए वो अददी अक्सरियत नहीं है पीटीआई के पास। अब अगर आप लोग दोनों ये कह रहे हैं कि वो 14 सेनेटर्स जो भी हैं उनको पीटीआई राबता कर सकती है, मीनिंग दे नो कि वो कौन से 14 सेनेटर्स हैं, तो बड़े मसाइल हो सकते हैं। खुसूसन जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है 18वीं तरमीम। एग्जैक्टली, और आपकी बात बिल्कुल इशारा आपने ठीक किया है, और 18वीं तरमीम को भी लाओक है, लेकिन जारी बात है उस पर बड़े नंबर चाहिए होंगे, वो कोई 2/3 मेजोरिटी के साथ आप पास कर सकते हैं, शायद इतना ज्यादा हलचल ना करने करें वो। दूसरा ये है कि उन्होंने बड़े स्मार्ट खेला, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन के लिए उन्होंने वो वोट नहीं लिए पीटीआई ने जो उन्होंने चेयरमैन के लिए लिए, तो वो इससे बड़ा आसानी से कह सकते हैं अगर हमने ये वोट खरीदे होते तो हम डिप्टी चेयरमैन के लिए भी खरीद लेते या उनको इंगेज कर लेते या उनको हम इंसेंटिव दे लेते। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉज के लिए इन्होंने किया है, एक वन फॉर वन टाइम के लिए ये सब लोग आए, और प्रोबेबली इस पर भी बात हुई होगी, उस पर भी बात हुई होगी, उस पर भी बात हुई होगी, लेकिन ऑपोजिशन ने एब्सटेन किया ना। अब ऑपोजिशन के सामने या तो वो 14 सेनेटर्स खड़े होकर चले जाते तो फिर तो कहानी वहीं पर, यू नो ना भी एक देखिए आपको पता है इनको आइडेंटिफाई करने का तो करनी पड़ती, इतना आसान काम नहीं है। हाँ, ये बात इनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। क्या है वो तरीका? ये है कि देखें अगर कल वो कहते हैं जिन तमाम ये जो 64 लोग हैं जो अपना ये जुराने और डिनर और लंचन में इकट्ठे होते रहे हैं कि जनाब दोबारा तमाम जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो जारी बात अगर मेरे जैसा शख्स जिसने पहले खड़े होके रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और फिर सीक्रेट बैलेट में अपोज किया हो तो मेरा ख्याल है मेरा जमीर फिर मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं दोबारा अपोजिशन के लंच और डिनर में जाके बैठ जाऊँ। तो लिहाजा जो लोग नहीं आएंगे मिसाल के तौर पे बाकी उनका बल्कि उनके वजन बढ़ जाएंगे जनाब। मेरे ख्याल से एक और तरीके से उस्मा साहिबा आपके नजदीक वैसे ऑपोजिशन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए इन 14 को, बीइंग अ पॉलिटिशियन, कम ऑन टेल मी हाउ वुड यू एक्चुअली गेज। देखिए मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को अब डिफीट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब गैर असूली गैर जमहूरी आप मोशंस लेके आएंगे तो जाहिर है जो सेनेटर्स हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई आसान नहीं होता सेनेटर बनना, बड़ी काविश बड़ी उनकी मेहनत होती है तो वो यहाँ तक पहुँचते हैं। व्हाई शुड दे वेस्ट यू नो एवरीथिंग, और क्यों वो अपनी सियासत को जीरो से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको समझ आ गई माजरत के साथ मैं आपकी कत्ता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। कुछ सेनेटर्स आप कह सकते हैं वाकई पॉलिटिशियंस हैं, वाकई वो जानते हैं एक एक क्लॉज सब कुछ जानते हैं, और कुछ सेनेटर्स वो आपकी बेंचेस में भी और ऑपोजिशन की साइड में भी हैंड पिक्ड हैं जिनको सिर्फ नवाजा गया है। अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा आप मुझे बताएं ना इनकी जो असूली सियासत है, इन्होंने मुशाहिद हुसैन का मैं आपको मिसाल देती हूँ कि क्यू लीग में पूरा टेन्योर कर लिया, फिर उसके बाद क्यू लीग को ठुंड मार के अलहदा कर लिया और नून लीग ने उनको गले लगा लिया और फिर वो सेनेटर बन गए। इनकी कौन सी असूली सियासत थी? अच्छा, पहले मुझे इस बात का तो आप जवाब देना, इनकी हरकतें क्या थी? उस्मा साहिबा हमारे साथ ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई असेंबली की मेंबर हैं, खवातीन की वजीर भी हैं शैला रजा साहिबा, साबिक डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली, उनसे भी पूछ लेते हैं। शैला साहिबा आपके नज़दीक क्या वजह हुई है आज ये जो अपोजिशन हारा है? हमारे जितने मोहतरम मेहमान या पैनल पे बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जमीर की आवाज के ऊपर वोट दिए गए हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जमीर जब रेजोल्यूशन पेश की गई तो जिंदा था और फिर 25-30 मिनट में मर गया और ड्यूरिंग वोटिंग, और जब ऑपोजिशन ने आवाज लगाई कि हमें अगले उसमें करारदाद के उसमें जो वोटिंग होनी है उसमें नहीं बैठना, फिर जिंदा होके बाहर निकल गया। तो ये जिंदा जमीरियत नजर आ रही है। मैं जो अल्फाज बोले गए अभी कि ये लगाई वो तो नहीं बोलूंगी, लेकिन
बड़े नकब लगाए जमहूरियत पे, और जो हमारा एक ये बात थी कि ये सेनेट का चेयरमैन का जो रिमूवल का मूवमेंट है ये हुकूमत के लिए है, वो है जैसे कहते हैं कि शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए जो न खाए पछताए, कि ये अगर सीधा निकल जाते ये इनकम मैटर ही नहीं था। एक ऑपोजिशन थी जो ये चाह रही थी कि इसको रिमूव किया जाए, इन्होंने बकौल इनके तावीज चलाए और वो तावीज जो थे वो इस तरह चले, और इन्होंने जो किया उससे हमने ये साबित किया कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन कैसे खरीदा गया, कैसे चुराया गया, किस तरह की हरकतें हुई, ये बिल्कुल वो था और हम इसमें कामयाब हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ आ रहा है कि इनका ये मैटर नहीं था ये इसमें बोलते, लेकिन रात को इन्होंने जो है वो पहले तो आवाम पे बॉम्ब गिराया कि 5 रुपए 38 पैसे, 5 रुपए 15 पैसे और 5 रुपए 60 पैसे डीजल पेट्रोल और मट्टी के तेल पे बढ़ाए, पेट्रोलियम मसनुआत पे पैसे बढ़ाए, और फिर कहा कि हम बाकी चीजों को सस्ता कह रहे हैं, दवाओं पे नोटिस ले रहे हैं जो अब 200% महंगी हो चुकी है, और रोटी पे भी हम सोच रहे हैं ले, तो जब आपने पेट्रोलियम मसनुआत पे इतना कर दिया तो ये क्या होगा। यहाँ पे तो हुकूमत अपने तई जीत गई कि उन्होंने 10 वोट तोड़ लिए और 5 खराब करवा दिए, ये कैसे जीतेंगे कि ये जो टैक्सेस हैं जो कि 10 महीने में 447 अरब कम जमा किए, और शैला साहिबा ये कैसे जीतेंगे? आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन जमातों को विद इन अपनी पार्टीज में भी ये सोल सर्चिंग करनी होगी कि क्या वाकई वो सेनेटर्स जो डिफेक्ट हुए हैं, या आपके पार्टी के दीगर लोग आप लोगों की लीडरशिप से, जैसे कि मेरे ये मोहतरम मेहमान या हुकूमत कह रही है, उनको रिजेक्ट कर चुके हैं उस लीडरशिप को? अच्छा देखिए, अगर रिजेक्ट उन्हें करना होता तो जब इलेक्शन हुआ था तो क्योंकि ये जाहिर है कि हमारी पार्टी में इस तरह से नहीं हुआ, सबको समझ आ रहा है कि कहाँ नकब लगाई गई है, तो अगर इनको रिजेक्ट करना होता नून लीग के लोगों को तो वो PMLN के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ना लड़ते और जहांगीर तरीन को जहाज लेकर छांगा मांगा नहीं सजाना पड़ता आजाद को खरीदने के लिए। लोग खड़े हुए थे अपने यहाँ से, कुछ लोग ऐसे हैं जो जियाउल हक के गैर जमाती इंतखाबात के बाद फायदा उठाते हैं क्योंकि वो गैर जमहूरी था और उससे बरादरी सिस्टम परवान चढ़ा कि वो अपने आप को इलेक्टेबल कहते हैं और हर एक के साथ लग जाते हैं, और बकौल सेलेक्टेड PM के आजाद इसलिए लड़ते हैं कि वो ताकि बाद में अपनी कीमत लगवाएं, और फिर उन्होंने लगवाई भी पंजाब में। तो अगर उन्हें नून लीग छोड़नी होती जब छोड़ देते, क्योंकि उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। आज उन्होंने करारदाद तक नहीं छोड़ी, लेकिन अचानक उनका जमीर जिंदा हुआ फिर मर गया, बाहर निकल गए। तो नहीं शैला साहब, आप ये कह रही हैं कि जो इन्हराफ हुआ होगा या जिन्होंने डिफेक्ट किया है वो पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकता? देयर ऑल फ्रॉम PMLN? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक था जिसको जरदारी साहब ने पहले ही कह दिया था, जिस इंटरव्यू को दिखाया नहीं गया, जमहूरी हुकूमत अपने आप को जो कहती है उसने वो इंटरव्यू दिखाया नहीं, उसमें उन्होंने क्या था कि हमारा जो है पेशावर से एक सेनेटर बिकेगा लेकिन वो जियाला नहीं है, और मेरी अपनी गलती है, तो मे भी क्या वो ना बिकाओ अभी देखा जाएगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों के तो आप भी रही हैं, कह तो आप भी रही हैं कि बिक गया, तो बस जब आप लोग कह दो कि बिक गया तो जीत तो हमारी होगी। ओके, थैंक यू सो मच शैला रजा साहिबा फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ऑपोजिशन ने ये कहा है कि उनका बयानिया जो वो साबित करना चाहते थे वो साबित हो गया है। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी गुड विद ऑल दिस पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन, आई मस्ट से। शैला रजा साहिबा ने कह दिया कि वो ये समझती हैं कि 25 जुलाई को जो इल्ज़ाम ऑपोजिशन लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत ने वोट खरीदे हैं और रिजल्ट्स चेंज किए हैं, आज उसी बयानिए की जीत हुई है, हमने देखा दिया। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जिस दूरस्थ नतायज की हम बात कर रहे हैं, क्या वो मौजूदा सेटअप पे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, जमहूरियत पर भी सियासत पर भी, इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक उज़्मा कारदार साहिबा। अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं चाहूंगी अपने तीनों मोहतरम मेहमान से पूछूं कि इसके दूरस्थ नतायज हमारे इस जमहूरी निज़ाम पर जो मौजूदा हुकूमत का है फॉर 5 ईयर्स और सियासत पर आपके ख्याल से क्या हो सकता है जो आज हुआ है। जी नादिया, इससे जमहूरियत जो है वो हमारी मजबूत हुई है। ये लोगों को बावर हो गया है कि एक आप गलत रिवायात जब डालेंगे, जब एक जमहूरियत को फेडरेशन को कमजोर करने की जो कोशिश है वो कभी भी वो मुल्क के फायदे में नहीं है और अवाम के फायदे में नहीं है। तो आज इसलिए आप कह रही थी कि जी जमीर की बात हो रही थी, तो मैं ये सवाल इन दो सियासी जमातों से पूछना चाहती हूँ कि हमने 12 इनको कहा था कि भाई सीक्रेट बैलेट जो है उसको खत्म किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कई दफा ये कहा था कि भाई आप ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद करें और आप इसको ओपन करें। इन्होंने क्यों नहीं ये रिफॉर्म्स किए, क्यों नहीं इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आज खुद ही ये क्योंकि ये इनके खिलाफ एक बात चली गई है। बिल्कुल सही। तो बात सारी ये है कि ये जो इनका जो असल आप इनको चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान से भी पूछें कि भाई उनकी 5 सीटें थी वो किधर गई। हमें तो नहीं पता उनकी 5 लोगों ने किधर वोट डाले, किधर डाले के उधर डाले। बिल्कुल। और चीमा साहब, हमें क्या पता कि हासिल बजिंजो ने किसको डाले, क्या पता उन्होंने भी संजय रानी साहब को डाके डाल दिए हों। तो असल हकीकत तो ये है कि इनकी सियासत अब दफन हो चुकी। अच्छा सही है, खत्म है सियासी तौर पे, दे आर फिनिश। ओके, ये आपने जो मौलाना जो है वो उनको मारूसी सियासत जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अब उन्होंने उनको वो लीडर चाहिए। ओके चीमा, लेट चीमा साहब ऐड टू इट बिकॉज़ आई हैव वेरी लिटिल टाइम। मौलाना फजलुर रहमान के जी जो मुलाकात हुई थी जाम कमाल साहब से, उस पर भी काफी गुफ्तगुशनीद हो रही है कि कहीं वहां से तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। नहीं, मेरा ख्याल है मौलाना नहीं हिले होंगे, मौलाना नहीं इसमें होगा, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग होंगे। लेकिन ऐसे जो मैं चीज कहना चाहता हूँ, जमीर की आवाज सब है। मुझे एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अगर कोई सेनेटर, कोई नेशनल असेंबली का जो मेंबर है वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बात करे तो उसकी इज्जत रहे पार्लियामेंट के अंदर। मैं तो तब कहूंगा ये जमीर की आवाज है। और ये सियासी जमातें हैं, ये अपने पार्लियामेंटेरियंस को कान से पकड़ के जिधर मर्जी ले जाएं, जहां मर्जी वोट डलवा लें, जब ये खत्म होगा तो मैं समझूंगा मुल्क में वाकई एक जमहूरियत है। और मैं उस दिन का इंतजार करना चाहता हूँ कि कब हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है वो थोड़ी इंडिपेंडेंट लाइन भी लेते हैं। हर सारा टाइम अपनी लीडरशिप के राग अलापते रहते हैं, वो जो भी करे ठीक है, कोई अकले कुल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इस तरह का टाइम भी आना चाहिए और जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको नेशनल असेंबली और सेनेट में बोलना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है। अपने जो चीफ व्हिप है उनसे कहें कि हमें भी बोलने का मौका दें, जरूरी नहीं 4-5-10 बड़े बड़े चेहरे बोले। 342 का हाउस है नेशनल असेंबली में और सेनेट में भी सब तो नहीं बोलते। बिल्कुल सही, चीजें जरूरी है ये। बिल्कुल, एंड इट गोज आउट इवन फॉर द रूलिंग पार्टी राइट नाउ। जी ब्रिगेडियर साहब, आप बताइए क्या क्या नतीज देख रहे हैं आप इसके दूरस्थ। पहले मैं ये कमेंट कर दूं कि जो 5 वोट्स टेक्निकली रिजेक्ट हुए थे, मैं समझता हूँ कि शायद वो भी इन लोगों की तरफ से एक बाय डिजाइन ना हो टू फैसिलिटेट दिस वोटिंग। आई मीन अ सेनेटर डजंट नो हाउ टू वोट, दैट इज एग्जैक्टली। देखे ना, खैर वो तो संजय रानी साहब ने भी आपको पता है। और दूसरी बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ इज अ पोलिटिकल स्पॉयलर, मेरा ख्याल उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। इट्स अ बिग ब्लो फॉर हिम, जो कि वो चाहते थे कि मामला को डिस्टेबलाइज करें। मैं समझता हूँ ही शुड लीक रिकंसिडर जो वो प्लान बना रहे हैं फॉर लॉन्ग मार्च इन अक्टूबर। मेरा ख्याल है कि आफ्टर दिस डिबेकल ही विल हैव टू थिंक अगेन अबाउट इट इफ ही इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। और मैं एक और बात कह दूं, हिस्ट्री नाउ, दैट्स फिनिश्ड। अच्छा, चलिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए वी कैन गो ऑन। लेकिन ये जो आज हुआ है, जाहिर है ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए भी होगा कि ऑपोजिशन मुत्तहिद हुई है और हमेशा कहती है कि हमारी ताकत ज्यादा है, लेकिन हुकूमत ने आज अपनी ताकत का मैं कहूँगी मुजाहरा कर लिया है। चाहे अब हम उसे इंसेंटिव की सूरत में कहें, किसी के ज़मीर को झंझोड़ने में कहें, ये तो वक्त ही बताएगा कि कितनों का ज़मीर जागा। लेकिन बात वही है कि जिनका ज़मीर फिर जाग गया है उन्हें सामने आना चाहिए है और उस पार्टी से अलग हो जाना चाहिए जिसके वो साथ नहीं है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।